मुख्यमंत्री 18 जुलाई को ग्राम रावेरखेड़ी में समाधि के दर्शन, पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि पर 18 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेशवा समाधि के दर्शन करने के साथ जो आगामी रावेर के किस प्रकार पर्यटन और संस्कृति की योजना है उनका शुभारंभ करने का जायजा लेने के लिए 18 जुलाई को राज्य योजना श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर पहुंचेंगे। नर्मदा स्थित रावेरखेड़ी स्थित बाजीराव पेशवा समाधि स्थल पर पर्यटन के अनेक अवसर हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, ताकि यहां पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल के आसपास पुख्ता इंतजाम होने के साथ ही बाजीराव पेशवा की स्टेचू, उनका इतिहास और घाटों के निर्माण की मांग स्थानीय नागरिकों द्वारा बताई गई है, जिसे जल्दी निर्देश देकर पूरा किया जाएगा। आज पहला दौरा था, इसलिए यहां की आवश्यकता और लैंड एरिया और विकास के आवश्यकता के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इसके लिए स्थानीय नागरिक और श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश संस्था के सदस्यों से चर्चा की जाएगी। श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति संस्थान मध्य प्रदेश के सचिव विवेक भटोरे ने कमिश्नर पवन शर्मा, जिसे बाजीराव पेशवा घाट बाजीराव जी के महान जीवन चरित्र पर म्यूजियम परिक्रमावासी एवं बाजीराव भक्तों के लिए 10 कमरों का भक्त आश्रम एवं एक सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स और बसें आसानी से आ जाए, इसके लिए मार्ग चौड़ीकरण और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बकावा से जहां शिवलिंग का निर्माण होता है वहां से धारकेश्वर गंगात खेड़ी पेशवा घाट और ओमकारेश्वर तक नौका विहार हो, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं आवास वन हेतु मार्ग को चौड़ीकरण ताकि बसें अन्य वाहन आसानी से समाधि स्थल तक पहुंच सके। निम्न मांगों को पूरा करने के लिए बात रखी जा रही है।